अस्सलामुअलैकुम, बी पॉजिटिव के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट। मौसीकी रूह की गुजा है। कुछ सिंगर्स गाते हुए जैसा मुंह बनाते हैं उससे लगता है ये मौसीकी गुजा ही नहीं साथ दुआ भी है। हम हॉस्टल में रहते थे, वहां गाए बगैर कोई नहा नहीं सकता था क्योंकि बाथरूम की कुंडियां तो होती नहीं थी, इसलिए नहाते हुए गाते रहना पड़ता था ताकि दूसरे को पता चले अंदर कोई है। इन्हीं बाथरूमों ने मौसीकी को कई पॉप सिंगर्स दिए, और क्लासिकल मौसीकी वाले तो खैर पैदाइशी सिंगर होते हैं। एक उस्ताद कहते हैं जब वो पैदा हुए तो वो इतने सुर में रोए कि नर्स और घर वाले चुप कराने की बजाय दाद देने लग पड़े। बाद में तो फरमाइश करके उनका रोना सुनते। आपको पता चल ही गया होगा हमारा आज का प्रोग्राम मौसीकी पर है। तो हम पहले मेहमान को बुलाते हैं, तशरीफ लाते हैं, उस्ताद फरागत अली खान साहब। आपने यहाँ तशरीफ रखनी है? नहीं, तशरीफ तो मैं साथ लाया ही नहीं तो वैसे ही भूला हूँ, वैसे ही बैठ जाए। अच्छा जी, ये लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं? इनको बताइए मैं कोई कवाल नहीं हूँ। ये उस्ताद जी, ये आपके इस्तकबाल के लिए तालियां बजा रहे हैं। अच्छा अच्छा, खुश आमदीद कह रहे हैं आपको। शुक्रिया शुक्रिया, मौला खुश रखे। मुझे बुला के आपने जो खुद को इज्जत बख्शी, इसकी बहुत खुशी हुई होगी आपको। उस्ताद जी, ये आपका नाम उस्ताद फरागत अली खान साहब किसने रखा? मैंने खुद रखा, क्योंकि ये नाम फारग था। मैंने कहा चलो मैं रख लेता हूँ, आपने रखना है तो आप रख ले। छोड़ इन बातों को, बताएं क्या सुनेंगे? जो आपकी मर्जी सुना दें। मूड नहीं, जैसे आपकी मर्जी, आप बड़े सिंगर हैं। अच्छा, सिंगर ना कहिए डॉक्टर साहब, गवैया कहिए। सिंगर से जरा मशीन मशीन की फील आती है। अच्छा गवैया वही होता है जिसे जब लोग कहें कुछ सुनाओ तो वो ना सुनाए, और जब उसे लोग कहें कि ना सुनाओ और वो चुप ना रहे। वाह वाह। तो उस्ताद जी, हम अपनी अगली मेहमान को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, किसी अगली को नहीं, ब्यूटीफुल को बुलाइए। तो हमारी अगली मेहमान है मशहूर पॉप सिंगर, तशरीफ लाती हैं जीना जोजो। Put your hands up in the air. Yo, टोपी वाले भाई आप भी खड़े के तालियां बजाइए, डॉक्टर साहब आप भी तालियां बजाइए। चूना, जब से लगाया तूने चूना, मैं हूँ आपकी सिंगर जीना जोजो। आइए। थैंक यू। जो जो बैठे। ये तो मोहतरमा अकेली आई हैं, जो जो और है उन्हें भी बुला ले। ये कौन है? आप इनको नहीं जानते? ये बहुत बड़े मौसीकी के उस्ताद हैं। कौन से वाले उस्ताद हैं? ये प्राइवेट स्कूल के, सरकारी स्कूल के? एनी हाउ, हम पॉप सिंगर इतने फेमस होते हैं, जहां भी जाते हैं हजूम इकट्ठा हो जाता है। हमारे एक जानने वाले के बेटे को पाप का मर्ज लाहक हो गया था। उसके बाद मोहल्लेदार उसके इर्द गिर्द जमा रहते थे, क्योंकि उसने कह दिया था कि जब मैं अकेला होता हूँ तो गाने से अपना दिल बहला लेता। ये है कौन? ये मौसीकी के बहुत ही बड़े उस्ताद हैं। कितने बड़े हैं? लगता है 100 साल के हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि आपने ही पॉप गाना शुरू किया कि आपकी फैमिली में कोई और भी गाता है? आप मेरे बाबा को नहीं जानते। जानना आपको चाहिए। यू नो, वो पुलिस में ऑफिसर हैं। ओहो, बस फिर जब आप गाती होंगी तो मोहल्लेदार यही समझते होंगे कि तफ्तीश हो रही। मेरे दादा ने एटम बॉम्ब बनाया था। वो ऐसा एटम बॉम्ब, तो उसकी ये खूबी थी कि आज तक किसी एटम बॉम्ब में ऐसी खूबी नहीं थी।
उससे इंसानों को कोई खतरा नहीं था क्योंकि वो चलता नहीं था। मेरे ख्याल है हम मौसीकी पे बात करते हैं। एक्चुअली मेरी मामा ने दुआ की थी कि मैं सिंगर ना बनूं, लेकिन मेरी जिद्दियां। आपका गाना सुन के लगता है कि आपकी माँ की दुआ पूरी हो गई। थैंक यू उस्ताद जी। ये आपके घर वालों ने आपका नाम फरागत अली खान क्यों रखा? उनको पता था कि फरागत ही फरागत है। देखिए डॉक्टर साहब, फरागत तो सिर्फ नाम की है। वैसे तो आजकल बहुत बिजी चल रहा हूँ मैं, सुर पे सुर चढ़ा हुआ है। अभी पिछले दिनों पूरी रात की महफिल के लिए मुझे बुलाया। मैंने हारमोनियम रख के कहा बताइए क्या सुनेंगे, तो कहने लगे हमें आप पे पूरा यकीन है, एतबार है आप पे, जो चाहे सुनाइए, हमने तो सिर्फ साथ वालों से मकान खाली करवाना है। जीना, आप पॉप सिंगर ही क्यों बने? मेरे पास पॉप सिंगर बनने के सारे सलाहियतें हैं। यू नो, मैं खूबसूरत भी हूँ, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, स्मार्ट भी हूँ, और यू नो, मेरे पास डिजिटल मिक्सर भी है। डॉक्टर साहब, ये सिंगर नहीं, ये सिंगर मशीनें हैं। पॉप म्यूजिक की सबसे खास बात ये है कि ये पॉप है। अगर नेक होता तो कोई ना सुनता इसे। अच्छा बात सुनो, ये पॉप सिंगर क्या गाते हैं कि लोग इनके कपड़े फाड़ देते हैं? आप माइंड ना कीजिए, मैंने कई पॉप सिंगर देखे हैं, जीने पार्टी होती है उनकी। बाबा जी आपको क्या पता हो, ये जो जीन होती है सबसे महंगी होती है। हाय 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 हाय, अगर दुनिया का सबसे महंगा शोर इनका गाना हो सकता है तो पार्टी हुई जीने महंगी क्यों नहीं हो सकती। अच्छा ये बताओ, ये गाना सीखा किससे तुमने? मेरी सीट बदल दीजिए। आप इनसे मिलना चाहते हैं क्या? हाँ जी, मेरा मानना ये है कि बुराई को नहीं उसकी जड़ को खत्म करना चाहिए। ऐसे ना करें, जीना को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका। इनको फिर परफॉर्मेंस पे ही मिला है, गाने पे नहीं। जब से डॉक्टर साहब इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, कई गवैयों ने गाना ही छोड़ दिया। गवैये मतलब गुलुकारा? पहले गवैये ही होते थे, फिर ये कारों में आए तो गुलुकारों हो गए, उसके बाद कई गवैयों ने गाना छोड़ दिया। इसलिए गाना छोड़ा कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला? नहीं, इसलिए छोड़ा कहीं उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ना मिल जाए। वैसे डॉक्टर साहब, शौक तो मुझे खाना पकाने का है। हाय हाय हाय, ऐसी ऐसी डिशे मैं बना लेता हूँ, खानों की ऐसी ऐसी तरकीब है मेरे पास, पर कभी बनाया नहीं। वो क्यों? हर तरकीब के शुरू में लिखा होता है कि एक साफ डिश ले, इस वजह से नहीं बना। जो जो ये लोग तो रियाज करते हैं, रियाज के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा है, पर यू नो ड्राइविंग बहुत बुरी करता है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स करवाता है। और पूछ लो तुसी उन्ना को रियाज दे बारे। ऐसी ही एक सिंगर से मैंने पूछा कि भई आपने रियाज किया है? बोली हाँ जी किया है, पिछले साल डायवोर्स हो गई, खराटे बहुत लेता था, वो नींद का पॉप सिंगर ही निकला है। कुछ तो है ना इनके म्यूजिक में कि लोग इनको घंटों सुनते हैं। सुनते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने इनका एक शो अटेंड किया, एक बंदा सुन रहा था इनकी परफॉर्मेंस, अगले बंदे से कहता थोड़ा परे हट, मुझे इसकी आवाज नजर नहीं आ रही। आप मुझे बट जी कोई ऐसी पॉप सिंगर दिखाएं जो बदसूरत भी हो और हिट भी हो, बताएं। जब मैं गाती हूँ तो लोग जोर जोर से तालियां पीटते हैं, पीटते हैं। ये तो डॉक्टर साहब खुद भागते दौड़ते गाते हैं, कहीं पकड़े ना जाएं, वरना लोग तालियां ना पीटें, इनको पीटें। वैसे तो देखें, जब मच्छर भी कान में कूं करता है तो बंदा खड़े होके क्या लेट के भी तालियां पीटता है, तो इसका क्या मतलब है कि मच्छर बहुत बड़ा सिंगर हो गया है? उस्ताद जी आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई, हमने गाते हुए बहुत बड़े बड़े सिंगर्स को बेसुरा होते हुए देखा है, पर मच्छर को कभी बेसुरा नहीं पाए। ताजी, कहते हैं कि क्लासिकल मौसीकी जो है उससे लुत्फंदोज ना होने के लिए उसका बड़ा इलम चाहिए, लेकिन उससे लुत्फंदोज होने के लिए सिर्फ कान चाहिए। हाय 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 हाय, क्लासिकल गाना इतना मुश्किल है। हाँ, इनको सुनना भी बहुत मुश्किल है।
इतने बड़े उस्ताद हैं, आप इनके बारे में क्या कह रहे हैं? मैं इनको उस्ताद नहीं मानती। नहीं मानती तो ना मानो, मेरे बच्चों की माँ तो मुझे बड़ा उस्ताद मानती। डॉक्टर साहब देखिए, जब डार्विन ने इंसान का जद्द अमजद बंदर को करार दिया तो लोगों ने क्या कहा कि हम नहीं मानते? उसने कहा नहीं मानना तो ना मानिए, मेरा बेटा और पोता तो मानता है। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि आपके दादा शाही गवैये थे। अल्लाह माफ करे, इतने बड़े गवैये थे मेरे दादा। उन्होंने एक बादशाह के सामने राग दरबारी की परफॉर्मेंस जब पेश की तो बादशाह ने खुश होकर मेरे दादा को हाथी इनाम में दे दिया, और दादा ने फिर सारी जिंदगी हाथी पाला, गा ना सके। हाय 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 हाय, डॉक्टर साहब मेरे अब्बा इतने बड़े उस्ताद थे, इतने बड़े उस्ताद थे कि एक मरतबा लक्ष्मी चौक पे उन्होंने रिक्शा रोका रेडियो स्टेशन जाने के, तो रिक्शे वाले से कहा भाई कितने पैसे? उसने कहा 20 रुपए। तो मेरे अब्बा कहने लगे यार कैसी बात कर रहे हो, सब रिक्शे वाले तो 10 रुपए लेते हैं। तो वो कहने लगा वो सिंगल फेरे के लेते। जीना, आपको दूर दूर से लोग शोज के लिए बुलाते हैं। दूर दूर से ही बुलाएंगे ना, पास वाले तो सब जानते हैं। मगर मेरे गाने टॉप ट्रेंडिंग पर हैं। गाने नहीं, इनकी वीडियोस टॉप ट्रेंड में होती है। देखिए डॉक्टर साहब, पहले गाने कंपोज होते थे, फिर रिकम्पोज होने लगे, और अब डीकम्पोज होने लगे। मैं तो चुप भी रहूं तो हजारों लोग मुझे घंटों बैठ के सुनते रहते हैं, यू नो हजारों लोग आते हैं मुझे सुनने के लिए हजारों रुपए खर्च करके। ये गाती नहीं है, गाना इनके मुंह से लीक होता है। और आपको पता है लीक ऑडियो काफी महंगी बिकती है। ताजी, मेरे ख्याल हम म्यूजिक पे बात करते हैं। मुझे कई छोटे बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। जी, छोटे मिले हैं गाना शुरू करने पे और बड़े मिले हैं गाना खत्म करने पे। वैसे डॉक्टर साहब मैं एक चीज मानता हूँ, औरतों का गाना मर्दों के गाने से हसीन होता है अगर ये मेकअप करके गाएं। हम गैर संजीदा गुफ्तगू की तरफ निकल गए। मैं ये बताएं कि मौसीकी का मुस्तकबल है क्या? नहीं बचेगी, गुर्दे इसके खराब, दिल की शरियाने इसकी बंद, नहीं बचेगी, कब्र में पाँव है। ये मौसीकी का नहीं अपना बता रहे, कब्र में इनके पाँव है। हैं? मैंने तो समझा मेरे पाँव जूते में। वाह वाह वाह, बड़ी ब्रांडेड कब्र आ गई है। चले, वैसे डॉक्टर साहब ब्रांडेड से याद आया, मुझे ब्रांडेड कपड़े लेने का बहुत शौक। लेकिन आपको कभी पहने तो नहीं देखा? नहीं, लेने का शौक है, पहनने का नहीं। आप बात कर रहे थे मौसीकी के मुस्तकबिल की, तो इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तीसरी शादी भी कर सकता हूँ। अच्छा उस्ताद जी, जी सुना है आपको एक यंग एक्ट्रेस ने प्रपोज किया। इनको प्रपोज नहीं, सपोज ही किया जा सकता है। किसी भी वेले बैठे हो कुछ सपोज कर लो। देखिए डॉक्टर साहब, जब उस एक्ट्रेस ने मुझे प्रपोज किया, उसे पता चला कि मेरी उम्र 65 साल है तो उसने शादी से इनकार कर दिया। फिर मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 85 साल है और फिर वो मान गई। बीमे का पता चल गया। असल में डॉक्टर साहब, दो शादियों से दिल नहीं भरा। दिल क्यों नहीं भरा? दिल के कितने खाने होते हैं? 4, 2 अभी खाली पड़े हैं। खाना भरा पता कौन सा है? पागल खाना। अब लोग कैसी बातें कर रहे हैं, म्यूजिक पे बात करें, राग रागनियों की बात करें। ये रागनी से क्या याद आया, ये देखिए, ये मेरे माथे पे स्वेलिंग का निशान, ये अब्बा जी की वजह से। 12 साल की उम्र में मैंने पहली मर्तबा रागनी को छेड़ा। आपके अब्बा जी ने गलत सुर छेड़ने पर आपका सर फाड़ दिया? नहीं नहीं, रागनी के अब्बा ने मेरा सर फाड़ दिया। हमने दुनिया में अपनी मौसीकी को पूरी तरह फैला दिया है। फैला दिया मौसीकी है कि डेंगी? मोहतरमा, जो मौसीकी आप फैलाई है उसे समेटेगा कौन? जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाय 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 हाय, डॉक्टर साहब जवानी में मैं जापान गया, मैंने गाना सुनाया, जापानी घंटों मबहूत होके सुनते रहे। कौन सा गाना सुनाया? मैंने 100 तक गिनती सुर में सुनाई थी। 1, 2, 3, 4, 5। पहले मेरी बहन भी गाना गाती थी,
फिर बच्चों के बाद उसने गाना बंद कर दिया। देखा बच्चे कितनी बड़ी नेमत होते हैं। डॉक्टर साहब वैसे मेरा ये मानना है कि बुरे से बुरा पाप गाना सियासतदानों के बयानों से अच्छा होता। उस्ताद जी आप जब गाते हैं तो आप आंखें बंद करके गाते हैं, वो क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए गाता हूं। वैसे बंद आंखें करके गाने का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, पता ही नहीं चलता सुनने वाले कब उठ के चले गए। आंखें खुली हो बंदा उनको कह सकता है कि ओ भाई ये कंतरा रह गए बह जा। वैसे मेरे तो गले की बड़े बड़े सिंगर्स ने तारीफ की हुई है। हाँ वो कहते होंगे ये गला आपने किस दर्जी से बनवाया है। वैसे डॉक्टर साहब मौसीकी में शफा भी है, जैसे कि आप अपने घर में कवाली करवाएं डेंगू और मलेरिया नहीं होगा। वो क्या? कवालों की तालियों से कोई मच्छर बचेगा तो मलेरिया होगा ना। वैसे डॉक्टर साहब सरतान का इलाज भी सुरतान में है, मैंने तो अपने गाने से तलाक रुकवा दी थी। ये कैसे हो सकता है? अगर मैं 2 मिनट और गाता रहता तो मेरी तलाक बाटते पई। उस्ताद जी आप जब गाते हैं तो आपकी आवाज में एक बड़ा दर्द महसूस होता है। हाय 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 क्या बताऊं आपको डॉक्टर साहब, पहले जब मैं गाता था तो मेरी आवाज में दर्द नहीं था, फिर अब्बा जी ने मुझे मार मार के मेरे पूरे जिस्म में दर्द कर दिया लेकिन मेरी आवाज में दर्द ना आया, फिर उन्होंने मेरी शादी करवाई फिर आवाज में बहुत दर्द आया। मेरी सेक्रेटरी भी कहती है कि मेरी आवाज में भी बहुत दर्द है। आपकी आवाज में वो दर्द है जिसे सर दर्द कहते। एक हमारे मोहल्ले में भी था वो दर्द का सफीर, क्या नाम था, खैर रिक्शे वाला, कहता है जी मैंने भी बहुत बड़ा फोक सिंगर बन जाना था अगर मेरी अम्मी चमकीले कपड़े छोड़ के मरती तो। यही हालत रही तो मसीकी का मुस्तकबिल क्या होगा? वही होगा जो पाकिस्तान का। ये पिछले दिनों मैं लंदन गया परफॉर्मेंस करने के लिए तो वहां लोग मुझसे पूछने लगे आप अपनी पार्टी बताइए ताकि उस हिसाब से हम आपको दाद या होटिंग देंगे। मौसीकी भी अवामी हो गई है, जो चीज अवाम पसंद करती है वही हिट। हाँ सब यही तो पसूड़ी है। लो देख ले आजकल के सिंगर बेचते क्या है, इश्तेहारों में बोतलें। आई लाइक जिन्हें आपके पसंदीदा सिंगर कौन कौन से हैं? आई लाइक स्लैश, लेडी गागा, स्नूप डॉग, पफ डैडी। ये सिंगर्स के नाम ले रही है या अंग्रेजी की मुझे गालियां निकाल रही है? ये बहुत मशहूर अंग्रेजी के सिंगर हैं। तो मैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, सलामत अली खान, नजाकत अली खान का नहीं पता? रहीम यार खान का पता है। देखा मैंने कहा था ना आपसे कि पॉप म्यूजिक म्यूजिक नहीं रोजगार है। हमें देखें हम अमन और एमन पसंद लोग, कहीं लड़ भी पड़े और बात गोली तक पहुंच जाए तो यकीन कीजिए वो गोली सर दर्द की हो। हम बहुत मेहनत करके मौसीकी को आगे बढ़ा रहे। नहीं ये बात तो माननी पड़ेगी डॉक्टर साहब, जैसे ये बुरे गाने बनाते हैं उसके लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ती होगी। खैर आप ये छोड़े, कोविड के दिनों में मेरा गाना वायरल हुआ था वो मैं आपको सुनाती हूँ। बहारो सैनिटाइजर छिड़काओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। डॉक्टर साहब जैसे ये सैनिटाइजर छिड़का रही है यकीनन एदा महबूब निछा मारदा आ रहा होएगा। नाजरीन ये है मौसीकी का हाल, ये हाल है तो मुस्तकबिल क्या होगा। इसके साथ ही बी पॉजिटिव से मुझे इजाजत, खुश रखें खुश रहें। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, या या, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कैसा लगा आपको गाना? हेलो ए कोई सुना मेरा गाना? Be positive, be positive, whoa, 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 whoa.